कोरोना के दूसरे लहर को देखते हुए बिहार को लॉकडाउन किया गया था। जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई तो कई तरीके के जो गाइडलाइंस थे वो जारी किए गए थे, दुकानों के खोलने के समय निर्धारित किए गए थे। और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर ट्विटर के माध्यम से इस बात की जानकारी दी है कि अनलॉक 3 रियायतों वाला है। 23 जून से 6 जुलाई तक लॉकडाउन 3 का जो शुरुआत है वो हो जाएगा। इस कड़ी में अब जो दुकानें हैं वो अतिरिक्त 1 घंटे खुले रहेंगे। बात अगर की जाए तो लॉकडाउन 2 में 1 घंटे का समय बढ़ा दिया गया था, सुबह 5 से शाम के 6 बजे तक दुकानों को खोलने के जो आदेश थे दिए गए थे, लेकिन अब लॉकडाउन 3 में जो दुकानें हैं वो शाम के 7 बजे तक खुले रहेंगे। इसके साथ ही जो गैर सरकारी और सरकारी संस्थान हैं उनमें भी 100% उपस्थिति के साथ काम करने की अनुमति सरकार ने दे दी है। इसके साथ ही जो नाइट कर्फ्यू है उसमें भी समय को बदला गया है, यानी कि अब बिहार में जो नाइट कर्फ्यू लगेगा वो रात के 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक रहेगा। बात अगर की जाए तो कोरोना के दूसरे लहर ने जिस तरीके से हिंदुस्तान और बिहार में पैर पसारा, उसके बाद बिहार राज्य को लॉक किया गया था। जैसे जैसे संक्रमण गिरने लगा उसके बाद धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई, और अब तीसरे अनलॉक में सरकार ने कई रियायत दिए हैं। वहीं जो बड़ी खबर है कि अब सरकार ने पार्क और उद्यानों को भी खोलने की इजाज़त दे दी है। सुबह 6 बजे से दोपहर के 12 बजे तक पार्क जो हैं वो खुले रहेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करके साफ तौर पर कहा है कि सतर्कता अभी भी बरतने की ज़रूरत है। बात अगर की जाए तो नीतीश कुमार का साफ तौर पर कहना था कि अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, और जिस तरीके से तीसरे लहर की बात की जा रही है इसको ध्यान में रखते हुए जो अनलॉक की प्रक्रिया है वो धीरे धीरे की जा रही है, जो रियायतें हैं वो धीरे धीरे दी जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि जब अनलॉक 3 में रियायतों का दायरा बढ़ा है तो आने वाले समय में और किन चीज़ों को खोला जाएगा। बात अगर की जाए तो अभी भी सिनेमाघर, स्विमिंग पूल, ये सारी चीज़ें बंद रहेंगी, स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे। साथ ही साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो लोगों को पालन करना है, मास्क पहनना ज़रूरी है। बहरहाल आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।